डिवाइन लव आप सुबह दोपहर शाम उम्मीद रखें कि हे पवित्र आत्मा आप मुझे ईश्वरीय प्यार दीजिएगा इसके साथ में आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम यह एक बक्सा होगा जिसमें प्यार का इनाम रखा हुआ होगा समझ रहे हैं जहाँ-जहाँ आप पूरी बाइबल में थ्रॉड बाइबल में देखें जहाँ-जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सामर्थ्य के काम किए वहां लिखा है, ही मूव्ड विथ लव एंड कंपैशन प्रभु तरस से भर गए और जहाँ-जहाँ उन्होंने तरस से भर जाने वाले अनुभव को लाया है तहां तहा ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है हुँ. सो हमारी सेवा का आधार परमेश्वर के प्रति प्यार हो और जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वे दूसरों को भी प्यार करें और जब कभी हम किसी को प्यार करते हैं और उसके कष्ट को यदि हम देखें तो हमारे अंदर उसके प्रति तरस आएगा और तरस के द्वारा पवित्र आत्मा मजबूरन आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं फॉर्मली कर दीजिएगा अरे दिमाग खराब है चला जल्दी आओ जल्दी आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देते तुम ना ठीक जाने के टाइम पर आते हो हे पिता परमेश्वर इनको आशीष दे जो कुछ भी है कुछ नहीं होने जाने वाला है क्योंकि तुम जल्दबाजी में हो और तुम ना बला टाले जैसे प्रार्थना कर रहे हो इस प्रार्थना से सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं आप भी बता रहा हूं मैं आपको परंतु जब कभी उनके कष्ट को आप अपना कष्ट समझ करके प्रार्थना करें तो दिल की गहराई से ऐसा कुछ होगा हमें उसका कष्ट एहसास होने लगेगा और जब हमें उसका कष्ट एहसास होने लगेगा तब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे हे प्रभु दया कर और ऐसी जगह में हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करें प्रभु जी फॉर्मल प्रार्थना से कुछ नहीं होता चलते 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 चलते, चलते मोबाइल में काम भी करते जा रहे गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं वी आर हिपोक्रेट हम खाना पूर्ति कर रहे हैं शायद हमें कह देना चाहिए इस समय गाड़ी चला रहा हूं आप मेरे को आधे घंटे के बाद करें मैं कंसंट्रेशन में नहीं हूं इसलिए कई लोग हमको चलते फिरते दुआ कराने के लिए आते हम तो सीधे एक बात कह देते सर मेरा ध्यान नहीं है थोड़ा काम में लगा हूं फुर्सत से आइए हाँ जाने की दुआ जरूर कर देता हूं परंतु चंगाई नहीं होने वाली मेरे को पहले ही मालूम है याद रखें आप किसी को भी ऐसी फॉर्मल दुआ करके विदा न कर दें नहीं तो हम कपटी गिने जाएंगे उसको बोलो कि आप एक नियुक्त समय पर आए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय हम व्यस्त हैं हालेलुया। हालेलुया। जाग रहे हैं आप जब परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आएगा तो उसका कष्ट हमारा हो जाएगा और चलते चलते झुंझलाहट में प्रार्थना उसमें कोई तरस नहीं है उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है ठीक है इसलिए दूसरों के दर्दों को समझने के लिए आपके पास तो फुर्सत होवे ना तब जब आपको दर्द समझ में आएगा तब जब आप उसके लिए प्रार्थना करिएगा तो ये परमेश्वर की मजबूरी बन जाएगी इसलिए लोगों की सुनना सीखें मुझे भूल रहा हूं नाम परमेश्वर का कौन सा दास है भूल गया मैं विश्व प्रसिद्ध एक परमेश्वर के दास थे मुड़ी है कुछ मैं कंफ्यूज हूँ नाम में तो वे जब चर्च जाते थे तो चर्च के दोनों तरफ यहाँ हमारे देश में नहीं है परंतु विदेश पाश्चात्य देशों में रविवार के दिन चर्च के रास्ते पर दोनों तरफ भिखारियों की लाइन लगी रहती है और वे चर्च जाने वाले और आने वालों से भीख मांगा करते हैं क्योंकि सुंदर फाटक में भी भिखारी भी बैठा था तो वही जो ट्रेडिशन है कि भैया ये भक्ति करने जा रहे हैं तो दान चंदा तो देंगे ही देंगे क्योंकि इनकी प्रभु जी ने कहा है, है ना भूखों को भोजन दो और लिटरली जो जो चर्च जाते हैं पाश्चात्य देशों में जितना दान प्रभु को देते हैं उतना ही दान वो भिखारियों को बांट के चले जाते हैं तो एक लंबी क्यू जो है चर्च के सामने रविवार के दिन लगी रहती है ये परमेश्वर के दास ने देखा इनके कष्टों को तो ये जो प्रभु के दास थे अपना एक छोटा सा स्टूल ले आते थे और भिखारियों के बीच में चुप बैठ जाते थे और भिखारियों का चेहरा देखते थे और उनके चेहरे को पढ़ करके वह उनकी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करते थे कि आखिरकार इसके दिल में क्या गुजर रही है सामने वाला आया और उसने दिया नहीं और वो चला गया उसको कैसा लगा होगा फेस एक्सप्रेशन से वो समझने की कोशिश कर रहे थे इसके अंदर उम्मीद क्या है और ये यदि किसी ने उसको नहीं दिया तो वो किस प्रकार का अनुभव करेगा इस तरीके से वो बैठ कर के उन भिकारियों के भीतर घुस जाते थे भावनात्मक रीति से और वहाँ अपने अंदर तरस पैदा करने का प्रयास करते थे हा ले hmm. आप दूसरों के दुखों में डूब जाओ तरस पैदा होगा और ये जो तरस है आपको ईश्वरीय प्यार की ओर ले जाएगा और जब आप तरस से किसी दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो ईश्वरीय प्यार आपके जीवन में मौजूद होने के कारण कहीं ना कहीं यह परमेश्वर की मजबूरी बन जाएगी कि वो प्रभु उनको चंगाई दे उनकी समस्याओं का समाधान करे इसलिए पहला कुरंथियों बारह और पहला कुरंथियों चौदह के बीच में प्यार की वो सत्यता जो आपके जीवन में झिलम का काम करती है अज्ञात स्थान से आने वाले जलते हुए तीर जिसमें प्रभु ने आपको नौ वरदान दिए हैं उस नौ वरदानों को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते अब आप ये मत सोचें कि वह शैतान आएगा जलते हुए तीर माले, मारेगा तो तुम्हारी मिया बीबी के बीच में झगड़ा हो जाएगा वही है दुष्ट का काम वो तो है ही है वो नकारात्मक एटीट्यूड से है ना आपकी संपत्ति में हमला करता है नकारात्मक अनुभव है आपकी दोस्ती तोड़ देता है नकारात्मक अनुभव है घर परिवार में झगड़ा पैदा कर देता है नकारात्मक अनुभव है परंतु एक और सकारात्मक अनुभव भी है वह आपको नौ वरदानों को प्राप्त नहीं करने देता है उसका कारण यह है आपके सब लोगों के लिए नौ वरदान रखे हुए every every person is entitled to have the nine gifts of the holy spirit आप सब भविष्यवाणी कर सकते हो आप सब चंगा कर सकते हो आप सब मुर्दों को जिंदा कर सकते हो परंतु तो दुष्ट ने आपके ऊपर जलते हुए तीर डाले कि आप उन वरदानों को काम में ना लाए तो वरदान क्यों नहीं काम में आ रहे जलते हुए तीरों ने आपको वरदान नहीं काम में लाना चाहिए बोल करके आपको रोक के रखा है क्यों क्योंकि आपने धार्मिकता अर्थात प्रेम की झीलम नहीं पहनी इससे प्रमाणित होता है यदि एक व्यक्ति अपने अंदर ईश्वरी अगापे प्यार को जिस प्रतिशत में रखेगा उसके अंदर वरदानों की आवाजाही भी आवा नहीं जाही नहीं आवा आने वाला सिस्टम अब वरदानों के आने उसके ऑपरेट होने में उतना ही प्रतिशत का काम दिखाई देगा यदि आप परमेश्वर 50 प्रतिशत प्यार करते हैं तो 50 प्रतिशत वरदान आपके जीवन के अंदर में होंगे विश्वास से भी मिल सकता है पर विश्वास से मिला ना आया जैसे विश्वास गया वैसे विश्वास यदि विश्वास गया तो वरदान भी गया पर जो अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके अंदर वरदान आता है और दोबारा फिर कभी नहीं जाता है और यही एक सबसे बड़ा कारण है बीते पवित्र नाइनटी एटी फ़रवरी को हमने पवित्र आत्मा पाया उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर चार महीने के अंदर प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारियों को चंगा करने और हाथ रखे तो पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाली सेवा हमको विदिन फाइव टू सिक्स मंथ में दे दिया और उन सारे समयों से लेकर के इन चालीस बयालीस सालों के अंदर में हम देखते हैं कि वरदान वैसे ही वे खो नहीं गए उसका आधार ये है यह हमने प्रभु से यह दुआ मांगी कि हे पिता परमेश्वर इससे पहले कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं मुझे तू अपने पास बुला लेना बिना वरदान और बिना तुझसे दूर रहे वाला जीवन इस संसार में मैं जीना नहीं चाहता हूं और उसने मेरी प्रार्थना कंसीडर किया है so, सो हमारी जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के सामने वाचा बांधे कि हे hey, प्रभु तू मुझे अपने प्यार से भर दे हा लो आपको मांगना होगा लॉर्ड फिल्मी विद दाई डिवाइन लव ईश्वरी प्यार से भरो और ईश्वरीय प्यार हर नौ वरदानों की फाउंडेशन बन जाएगी आप 90 परसेंट उसको प्यार करो 90 परसेंट वरदान आपके जीवन में काम करेंगे और कभी नहीं खोइएगा उन वरदानों को हाल <laughs> सो so, मेरा प्रभु कहीं कही ना कहीं आपको आज तैयार कर रहा है कि वो झीलम पहन ले जिससे कि आपके लिए नियुक्त किए गए वरदान आपको छोड़ के ना चले जाए यू मे नॉट बी लूज द नाइन इन गेव द होली स्पिरिट टू ऑपरेट इन योर डेली प्रैक्टिस आज कितने हैं जो वरदान काम में ला रहे हैं क्यों नहीं ला रहे आप क्योंकि झिलम नहीं पहनी है प्रेम की झिलम जिस समय आप पहन लेंगे उस समय वरदान बिना मांगे आपके जीवन के अंदर आ जाएंगे जब प्रेम होगा तो तरस होगी और तरस से जो भी प्रार्थनाएं की जाएंगी आप स्वर्ग के सिंहासन को हिला देंगे